Hello everyone, welcome to AJ classes. Today I have come up with an interesting topic, as you can see from the screen, general awareness, or in some exams this topic has changed into GK or general knowledge. Okay, this is a very important topic and some of the easy questions come, and if we don't revise that, then the problem arise of easy problem tha chhod diya ya mistake ho gaya. To ye sab mistake ko hum log कम किस तरह करेंगे? कम इस तरह कर सकते हैं कि प्रैक्टिस, बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा. ये वीडियो खास उसी तौर के लिए है कि आप बार बार इस चीज़ को सुनिएगा जो चीज़ मतलब बार बार एग्जाम में आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चंस वट एवर आई हैव शेयर आई एम गोइंग टू शेयर टूडे यू विल फाइंड इट वेरी मच कॉमन इन ईच एंड एवरी एग्जाम. कुछ ना कुछ आता ही रहता है. जैसे कि पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं बता देता हूँ, यू नो द ड्रिल. अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब टिप दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. चलिए क्वेश्चन नंबर वन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 MI लिखा है. तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक 100 से 150 के अंदर आस पास मैंने जनरल अवेयरनेस के एक निकाला हूँ, उसमें से मैं 30 आज शेयर करूँगा. और ये जो सेशन है इसका स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ निकाल सकते हैं. ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, तो इतना प्यारा है सबके लिए. जनरल साइंस के पोर्शन से अगर देने का दिल करता है तो ये क्वेश्चन को तो आप स्टार मार्क बना लीजिए. ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ये कॉपर एंड जिंक का होता है. हालांकि आंसर काफ़ी ईजी है, ये दोनों मैं सिम्बल्स दिया हूँ, आप लिख सकते हैं. फॉर नॉन साइंस स्टूडेंट मैं लिख दे रहा हूँ कॉपर एंड जिंक के आंसर, एंड फॉर साइंस स्टूडेंट तो सी यू समझ गए होंगे, क्यूप्रस या क्यूप्रिक, और जिंक तो है ही है, ZN. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 29th July. ठीक है, इस तरह के इंपॉर्टेंट डेज भी देते हैं. नेशनल डॉक्टर्स डे आता है, वैसे ये वाला भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टाइगर की जो अभी काउंटिंग है वो कम होती जा रही है. पिछले साल 2019 में एक बहुत बड़ा सा चार्ट हम लोगों ने शेयर किया था, हम लोगों को मिला था, तो वो शेयर भी मैं आप लोगों के साथ करूँगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर का काउंटिंग है, इंडिया में सबसे 3rd नंबर पर है शायद काउंटिंग. ठीक है, तो खैर उसको हटाते हुए ये टाइगर डे को याद रखिएगा, 29 जुलाई इसका आंसर है. मिस यूनिवर्स, अब इस बार 2020 में अभी तक का जो वो इवेंट है वो हुआ नहीं है, तो 2019 का जो ये सब इवेंट है वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. नोबेल प्राइज 2020 का इंपॉर्टेंट है, बट दीज टाइप ऑफ प्राइजेस जो कि इवेंट अभी ऑकर ही नहीं हुआ, तो इसके लिए 2019 का भी हम लोगों को देखना होगा. अभी जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, NTPC के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. ग्रुप डी CHSL का 12 तारीख को फॉर्म भरना खत्म होगा. अगर अभी तक आप भरे नहीं हैं तो जाके www.ssc.nic.in में फॉर्म को भरिए, 12 तारीख से पहले ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा. ठीक है, 12 दिसंबर मिस यूनिवर्स 2019 की थी जुजुबिनी तुंजी, साउथ अफ्रीका की थी ये. ठीक है, जुजुबिनी तुंजी नाम था इनका. ठीक है, नेक्स्ट, हु फाउंडेड द हैदराबाद सिटी. आप खुद भी देखिएगा कि जितने सारे क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं वो कोई ना कोई एग्जाम में रिपीटेड है या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और मैं तारीफ नहीं करूँगा अपना, आप खुद भी देखिए और कमेंट करिए. हु फाउंडेड हैदराबाद सिटी, कुली कुतुब शाह, आंसर है कुली कुतुब शाह. ठीक है, होप सो आपको हैंड राइटिंग समझ में आता होगा, नहीं आता है तो जूम इन करके देख लीजिएगा. पीएच वैल्यू, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया. जनरल अवेयरनेस इसलिए हार्ड होता है किसी किसी के लिए क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर आपको ये जो क्लासेस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट कर रहा है, तो इट्स अ वेरी मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है, कुछ करना नहीं पड़ा, बस यूट्यूब में ये जो क्लासेस टीपना है आ जाएगा अगर सब्सक्राइब किए हैं तो. पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये होता है 7.35 से 7.45 तक का, इसको आप लिख सकते हैं. कभी क्वेश्चन में अलग तरीका से भी पूछ सकता है तो आप लिख सकते हैं स्लाइटली बेसिक होता है, इसका कैरेक्टर या नेचर बोल सकते हैं. ठीक है, नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड,
ये स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है हमारा टंग का पीएच जब पूछता है, ठीक है। वैसे अलग अलग पीएच पूछता है, यूरिन का ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर। ओरिजिन जितने सारे रिवर का है सभी का ओरिजिन कर लेना चाहिए। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ट्रिक भी देख सकते हैं, मैंने इस ओरिजिन वाले का एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बनाया था, आप वहाँ जाके देखिए। सारेगामा तूना का चंबल ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके आगे का आप जाके देखिए क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर्स जो है इसका ओरिजिन है, यहाँ से ही गंगा रिवर बनता है, ठीक है। इनफैक्ट जो गंगा है उसका नाम तो हम लोग जानते हैं कि बहुत दूर के बाद से वो गंगा बनता है, गंगोत्री ग्लेशियर से पानी आता है, फिर भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, उसके बाद गंगा बनता है, ठीक है, ये बात का बात है, ठीक है। लेकिन अगर ओरिजिन का आता है क्वेश्चन तो हम लोगों को गंगोत्री ग्लेशियर ही देना पड़ेगा, अलग से वो उतना क्या बोलते हैं डेप्थ में कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस ओरिजिन पूछेगा, आप गंगोत्री ग्लेशियर आंसर दीजिएगा, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल रिलेटेड टू इमरजेंसी। तो इमरजेंसी का आर्टिकल तीन है, 352, 356, 360। अगर तीन नहीं दिया, 352 दिया है तो चुपचाप से 352 दे दिएगा। अगर यहाँ पर इमरजेंसी दिया है तो 352 ही देगा ऑप्शन में, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी करना मांगेगा तो वो 356 हो जाएगा। 360 जो कि आज तक नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, बस ये तीन इमरजेंसी के होते हैं, आप याद कर सकते हैं, 4-4 का डिफरेंस है, 352, 56 एंड 360। नेक्स्ट, गोवा का लिबरेशन डे कौन सा दिन मनाया जाता है, ये 19th दिसंबर को मनाया जाता है, 19th दिसंबर एम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक का हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग करेंगे, तब तक बने रहिए एज क्लासेस में। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, 9 से लेके 17 तक, ये सब के सब वन लाइनर है और आप खुद अपने से देखिए और सजेस्ट करिए कि क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। मुझे तो लगता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को भी लगेगा अगर आप पढ़ते हैं तो। खैर, भूटान्स नेशनल गेम, भूटान नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग कंट्री में जितने भी हैं सबका आप जान लें, इंडिया का हमारा हॉकी होता है, पाकिस्तान का भी हॉकी होता है, इनफैक्ट पाकिस्तान का कबड्डी भी था पहले, फिर ये दोनों में कंट्रोवर्शियल था, लेकिन अब दोनों का हॉकी है, ठीक है। भूटान का जो है इसका होगा आर्चरी, तीरंदाजी जो बोलते हैं, ठीक है, आर्चरी। नेक्स्ट, सागा डांस, अलग अलग तरह का डांस होता है, क्लासिकल डांस होता है, ट्रेडिशनल डांस होता है, तो ये जो सागा डांस है ये सिक्किम से ही एसोसिएटेड है, अलग अलग स्टेट के हैं क्लासिकल डांस होते हैं, उसका भी मैंने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया था, जैसे कि अंधेरा था तो आप देख नहीं सके, कच्चा पूड़ी खा लिए, मतलब आंध्र प्रदेश का कच्चे पूड़ी, फिर करेले की कथा, इस तरह का ट्रिक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं एक काम करूँगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ट्रिक का भी प्लेलिस्ट दे दूँगा। दो ट्रिक का बात हुआ, एक ये सिक्किम वाला और इससे पहले जो हम लोग बोल रहे थे ओरिजिन वाला, ठीक है। सिंबल ऑफ टिन, ये NTPC का जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी के प्रीवियस ईयर्स में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस को हम निकाले हैं, और क्या होता है कि प्रीवियस ईयर से उन लोगों को भी देने में आसानी होता है कि चलो देखते हैं कि इन लोगों को जनरल अवेयरनेस का बेसिक क्वेश्चंस आता है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर्स एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं देख सकते हैं तो आप मेरे वीडियोज़ में से जो 100 या 150 क्वेश्चंस मैं शेयर करूँगा एट द एंड ऑफ 5th पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज़ द फर्स्ट वन ऑफ द ऑफ इस टाइप, ठीक है, तो उतना में आपका काफ़ी हद तक का प्रीवियस ईयर हो जाएगा। टिन, टिन को हम लोग स्टेनस बोलते हैं, तो इसीलिए SN होता है, स्टेनस बोलो या स्टैनिक होता है, दो इसका वैलेंसी होता है, तो इसीलिए इसका स्टेनस और स्टैनिक दो नाम होता है। साइंस स्टूडेंट वाले वैलेंसी को समझ जाएंगे, जो कि नॉन साइंस स्टूडेंट है उनके लिए बता दूंगा कि वैलेंसी जो होता है, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकालना होता है, तो आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसी को वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है, या वो कितना चाहिए या कितना दे सकते हैं, ठीक है। देना हार्ड होता है, मिल जाए तो आसानी से ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उसके लिए भी आपको पीरियोडिक टेबल का पढ़ना होगा, बहुत सारा चीज़ मैं छोटा सा रिवाइज कर रहा हूँ, वो साइंस वाले समझ लेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन साइंस वाले के लिए जो टर्म्स है वही समझ में नहीं आएगा, तो आप वैलेंसी का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा,
उसमें ये वेरिएबल वैलेंसी रखता है स्टेनस। आपको याद करना है कि एस और एन छोटा सा होना चाहिए टिन का। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल होता है जो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स लोग के साथ भी शेयर करता हूँ और दोस्तों के साथ भी, ये डब्लू। डब्लू जो होता है ये टंगस्टन का होता है। टंगस्टन पाया जाता है आपके बल्ब के फिलामेंट में जो होता है, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, और उसका सिंबल भी काफ़ी यूनिक होता है डब्लू, टंगस्टन। टंगस्टन में डब्लू आते ही नहीं है, फिर भी ये डब्लू होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट का जो पिक्चर्स है क्लियरली दिखे और आप नोट्स बना सके आसानी से। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार बार आता है, छोटे छोटे जितने भी एग्ज़ाम है, आरआरबी का जो भी एग्ज़ाम पकड़िए, एनटीपीसी पकड़िए, मैं जूनियर इंजीनियरिंग दिया था उसमें भी आया था, सॉरी एएलपी जो कि मैं फर्स्ट पार्ट क्लियर किया था, ऑटो लोको पायलट में मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत ही इजी है बट आता रहता है। तो क्या है कि रिवीजन इज़ अ मस्ट, बिकॉज एक उर्दू में कहावत है, मतलब एक फ्रेज है, ईजी देता है एज़ा। एज़ा इन उर्दू वर्ड मीन्स मतलब तकलीफ, ठीक है। तो इजी को ये नहीं कि इजी है नहीं करेंगे, इजी को रिवाइज करेंगे, एटलीस्ट एजे क्लासेस का एक एक वीडियो देखते रहेंगे, अपना जीए अपने आप चलता रहेगा। हर दिन 25-30 मैं शेयर करूँगा, आपका जीए का पोर्शन अच्छे से चलता रहेगा। बाकी मैथ्स उसका भी मैं वीडियो बनाने का जल्द से जल्द ट्राई करूँगा। इससे पहले भी कुछ कुछ मैथ्स के सम्स हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैथ्स के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। वर्ल्ड थायराइड डे बोलते हैं 25 मई, 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवार्ड फंक्शंस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अवार्ड, नेशनल फिल्म वगैरह होगा, ऑस्कर अगर अभी तक तो नहीं मिला है, जब मिलेगा तब वो इंपॉर्टेंट हो जाए ना, नोबेल प्राइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज का भी मैं ट्रिक बनाया हूँ, आप ट्रिक वीडियो में जाके देखिए। ये जो चैनल है एजे क्लासेस, इसका मेन मकसद यही है कि बच्चों को किस तरह से मैं दोस्तों को, बच्चों को मैं वो कर सकूँ, मतलब उभार सकूँ कि जनरल अवेयरनेस इजी नहीं है। इनफैक्ट जो मेरे दोस्त ये वीडियो को देख रहे हैं वो मुझसे कहते हैं कि तू तो जनरल अवेयरनेस का डॉन है। तो मैं जनरल अवेयरनेस का डॉन हूँ, तो मैं सब कुछ सब शेयर करना चाहता हूँ और आप लोग सब अपने एरिया में डॉन बने, मतलब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन सुने और आंसर दें। क्रिस्टल अवार्ड, ये दीपिका पादुकोण को मिला है, दीपिका पादुकोण। जितने भी क्वेश्चन यहाँ शेयर हो रहे हैं ये भाई को याद हो गया, मतलब मुझे याद हो गया, तो अब आपको याद करना है, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिसलिनियस में भी आया था शायद, अमिताभ बच्चन, सॉरी अमिताभ साहब का स्पेलिंग हम भूल गए, अमिताभ BACHCHAN बच्चन, अमिताभ बच्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नेक्स्ट स्क्रीन पे आएगा, तब तक के लिए बने रहे, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हम लोगों का फैमिली काफ़ी बढ़ते जा रहा है लेकिन स्पीड रेट कम है, तो उस स्पीड रेट के तरफ भी ध्यान दें और जितने लोगों से हो सके शेयर करें, बताएं चैनल के बारे में। क्या होता है ना कि चैनल में जब सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मेरा भी दिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं तो दिल थोड़ा बैठ जाता है, इतना मेहनत कर रहे हैं और कुछ ना व्यू हो रहा है, ना वीडियो को सही से देखा जा रहा है। अरे नहीं भी देखो, कम से कम सब्सक्राइब तो करो, देखने का काम हम कर लेंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है, ऑलमोस्ट हम लोग आज का जो सेशन है 30 क्वेश्चन से एकदम एंड पे पहुंच गए हैं, इसके बाद वाला हमारा आखिरी हो जाएगा और आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा। घबराने की बात नहीं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसको गौर से देखिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे जब मिला तो मैं चाहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। देखिए आप क्वेश्चन को, हाउ मेनी टाइम्स पंकज अडवाणी जो कि इंडिया के स्नूकर खेलने वाले प्लेयर हैं, या बिलियर्ड्स बोलिए या स्नूकर बोलिए, दो तरह का नाम होता है, पंकज अडवाणी, इन्होंने कितनी दफ़ा वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप जीता है। सोचिए इतनी दफ़ा जीत चुके हैं कि अब इनके बारे में आप ये स्टैटिक जीके में जाने वाले हैं, 21 टाइम्स ये वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड 21 टाइम्स ये नेशनल चैम्पियन भी हुए हैं, ठीक है, दोनों तरफ हुए, नेशनल चैम्प भी हुए हैं 21 मरतबा
और वर्ल्ड चैम्पियन भी 21 टाइम्स हुए हैं। और इनका ये रिकॉर्ड है कि ये जब जूनियर में खेलते थे, मतलब जब ये सीनियर नहीं हुए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने 11 टाइम्स जीता है। काफ़ी बड़े चैम्पियन हैं बिलियर्ड्स प्लेयर के। ठीक है, व्हाट डू वी यूज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? रस्ट हम लोग जानते हैं Fe2O3.xH2O, जो भी साइंस के स्टूडेंट है वो ये फार्मूला से वाकिफ रहते हैं। ये रस्ट का बेसिक क्राइटेरिया है कि पानी होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, बस रस्टिंग होके रहेगा। तो उस रस्टिंग से बचने के लिए हम लोग जिंक का एक कवर देते हैं, कवर ऑफ जिंक, तो इसी को गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन। ठीक है, दो तीन तरह का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैल्वनाइजेशन क्या है, किस तरह से आयरन से बचाते हैं, रस्ट क्या, फॉर्मूला क्या है, रस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ नेसेसरी है। चार क्वेश्चन सिर्फ यही क्वेश्चन से निकल गया। ठीक है, इस तरह से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आप देखते हैं और उसमें से आप अलग अलग क्वेश्चन, जैसे मैं अभी बताया आपको क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, तो वैसे आप अपने से अगर अपने माइंड पे सेटअप कर लीजिएगा तो जनरल अवेयरनेस जो इतना बड़ा सा लगता है ना, वो एकदम छोटा सा लगेगा। हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। आप ग्रेड अप जो ये होता है, क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करिए, उसमें कितने सारे क्वेश्चंस हैं, आपका गलत होता आप बुक मार्क कर लीजिए, फिर आगे चाहिए, सही होता आपका बूस्टिंग हो रहा है, आपको कॉइन मिलेगा, आप उस कॉइन से टेस्ट पेपर्स ले सकते हैं, बहुत सारा। ग्रेड अप इज़ द बेस्ट ऐप, ये मैं बोलूँगा अनडाउटली। ठीक है, नो ये कोई ग्रेड अप का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, ना मुझे वो लोग फाइनेंस कर रहे, बट ग्रेड अप है अच्छा, तो अब क्या बोले। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव्स हमारे करीबी नेबरिंग कंट्री हुए, इसीलिए इनका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब जानना ज़रूरी है। ओटोमन एम्पायर अभी काफ़ी फॉर्म में है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे, कोई कोई देखता भी होगा, कोई कोई नहीं भी देखा होगा, इर्दगुल सीरीज़ एक काफ़ी फेमस हुआ है। अभी वो दो दिन पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में घुस गया कि सबसे ज़्यादा व्यूड जो इवेंट होता है ना, सीरीज़ है। तो इर्दगुल सीरीज़ जो है उसमें ओटोमन एम्पायर के बारे में ही बताता है। तो वो जो, अगर कोई इर्दगुल देखता होगा तो फटाक से बता देगा ये टर्की का है, जो नहीं देखता उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो गया और ये स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हो गया। वेजिटेशन इन डिजर्ट्स, डिजर्ट में जो वेजिटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं, ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसके डायरेक्टर का नाम बताना है। तो ऋषि कुमार शुक्ला है अभी डायरेक्टर, ऋषि कुमार शुक्ला। हैंडराइटिंग ठीक ठाक है कि नहीं, ये भी आप कमेंट में कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो 85 है वो है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंटरी जो सेशंस होते हैं उसी से रिलेटेड है ये आर्टिकल 85। अब आप बोलिएगा आर्टिकल का पोर्शन तो भाई बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा है, बट अगर आप मेरे शॉर्ट नोट्स वाले प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एक वीडियो बनाया। उससे बाहर ये जो छोटे छोटे एग्जाम्स, RRB के, ग्रुप सी लीजिए, ग्रुप डी लीजिए, NTPC लीजिए, CHSL CGL के लिए भी मैं बोलूँगा, जितना मैंने दिया है ना, मोर देन एनफ है। हाँ, अगर आप WBCS के मेंस वगैरह में जाइएगा तो उसके आपको सब पार्ट्स को भी जानना होगा, लेकिन जो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्स है या फिर फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल तो होता नहीं है SSC CGL में या CHSL में, मतलब जनरल अवेयरनेस का कोई काम नहीं है। तो जो भी लेवल का है, CGL होगा, CHSL होगा, इसका जो फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम है उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो उस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के वीडियो में पूरा दिया हुआ है। तो चलिए, आप और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग इस सेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लोसांग फेस्टिवल, फेस्टिवल्स वगैरह भी आता है कि ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ये सिक्किम में होता है, SIKKIM, सिक्किम, सिक्किम में होता है लोसांग फेस्टिवल।
Now we have come to the end questions. 26 नंबर बोल रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट. ये इस इंडेक्स रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो ये पब्लिश होता है यूनाइटेड नेशंस. एक सेकंड, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. ठीक है, सॉल्यूशंस नेटवर्क काफ़ी बड़ा नाम है इसलिए मैं बिना रुके लिखता रहा. ठीक है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में अभी 2020 के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग है 144. ये आप याद कर सकते हैं कि इंडिया का रैंकिंग, ये इंडेक्स भी आता रहता है, अलग अलग तरह का इंडेक्स होता है. इनफैक्ट इंडेक्स का भी मैंने थोड़े दिन पहले ही वीडियो दिया था, शॉर्ट नोट्स या टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा इंडेक्स जो कि इंडिया से रिलेटेड है और कौन सा कंट्री टॉप किया है. ठीक है, नेक्स्ट, विच सिटी टॉप्ड द स्मार्ट सिटी इंडेक्स? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में हैदराबाद टॉप किया है, तो आंसर आप लिख सकते हैं हैदराबाद, हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू नेम ऑफ हेली नेशनल पार्क. इनफैक्ट ये तो बहुत ही पुराना नाम है हेली, जो कि जिम कॉर्बेट हो गया है, बट ये जो हम लोगों ने, मैं जो जहाँ से कलेक्शन किया हूँ, ये तो प्रीवियस ईयर का पेपर का है, तो इसलिए ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ. तो ये आपको एक स्टैटिक जीके का पोर्शन भी हो सकता है कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, तो आप याद रख सकते हैं हेली नेशनल पार्क. इनफैक्ट सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा था हेली नेशनल पार्क. ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. और इसके बारे में करंट अफेयर्स ये है कि मोदी जी ने जो अभी बेयर ग्रिल्स के साथ, एक बेयर ग्रिल्स एक इंसान का नाम है जो कि वाइल्ड लाइफ के एडवेंचरस इवेंट्स में जाते हैं, तो उनके साथ जो गए थे वो भी हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही गए थे. ठीक है, डेट ऑफ संविधान दिवस, संविधान बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को. संविधान इज अ हिंदी टर्म फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको बोलते हैं हम लोग 26 नवंबर को. इसको एक मिनट अलग इंक से लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. 26 नवंबर, ठीक है, 1949. ये डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा तैयार हो चुका था, बट फोर्स में नहीं आया था. फोर्स में आने का एक अलग दिन है, उसको भी आप याद कर सकते हैं, 26 जनवरी, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं. 1950 नेक्स्ट ईयर के जनवरी में ये जो है केम इनटू फोर्स. ये तो बीसीएस का मैं तो बोलूँगा ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, या तो ये हर एक साल पूछते ही हैं. केम इनटू इफेक्ट, अडॉप्टेड, मेड, कंप्लीटेड, अलग अलग ये इसका होता है, बट केम इनटू फोर्स जहाँ भी आया वो आँख बंद करके आप 26 जनवरी 1950 कर दिया करिए. हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है सी ए जी इज अपॉइंटेड बाय. भाई सी ए जी क्या है? सी ए जी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ये जो पोस्ट है ये अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट. और अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद. ठीक है, ये सब नाम भी आपको याद रखना होगा कि मिनिस्ट्री के कौन कौन से पोस्ट में कौन से मिनिस्टर है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सब भी शेयर करूंगा कि ये मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर कौन से हैं, मतलब यूनियन मिनिस्टर में भी काफ़ी सारे कैबिनेट्स होते हैं, तो उन लोगों का भी नाम शेयर करेंगे. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजी क्लासेस. टाटा.